YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल हिमांशी सोनी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ और आज आपके लिए लेकर आ गई उसी वहीं उपमा की रेसिपी, जो कि एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। बच्चे बड़ों सभी को पसंद आती है। आप इसको सुबह ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, शाम को भी अगर मूड बने तो खा सकते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको भी पसंद है तो मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। मीठा खाते खाते सभी का मन भर जाता है बहुत जल्दी, मेरे साथ ही ये प्रॉब्लम है। और नमकीन चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो चलो फटाफट से बनाना शुरू करते हैं सेवैया उपमा। तो सेवैया उपमा बनाने के लिए सबसे पहले हमें सेवई को रोस्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी है और अब इसमें एक टेबल स्पून हम देसी घी डालेंगे। यहाँ पर मैंने एक कटोरी से थोड़ा सा कम सेवई लिया हुआ है, तो वो इसमें हम डाल देंगे और हल्का सा ब्राउन होए तब तक हमें इसे भून लेना है। तो सेवई हमारी हल्की सी गोल्डन हो गई है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। तो सेवई हमारी भून चुकी है और अब पानी गर्म कर लेते हैं। गर्म पानी में सेवई डाल के इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। पानी में एक उबाला है, उसके बाद ही हमें इसमें सेवई डालना है। तो पानी हमारा गर्म हो चुका है और अब इसमें हम सेवई डाल देंगे। और इसको चलाते हुए आपको 3 से 4 मिनट तक पका लेना है। ओवर कुक नहीं करना है, बस 3 से 4 मिनट में ये अच्छे से पक जाएगी। और साथ में ही इसमें डाल देंगे एक आधा चम्मच, मैंने नमक लिया है इसमें डाल देंगे। तो हमारे सेवई को पकाते पकाते 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं अच्छे से पक चुकी है। अब इसको हम निकाल लेते हैं और अब ऊपर से इस हमें डाल देना है ठंडा पानी। इससे क्या होगा, आपकी जो सेवई है उस वो ओवर कुक नहीं होगी, उसकी वजह से आप ये सेवई एकदम खुली खुली बनेगी, आपकी खिली खिली बनेगी, वरना एक दूसरे में चिपक जाएगी। तो चलो चलते हैं आप नेक्स्ट प्रोसेस में। तो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हमने यहाँ पर चढ़ा दिया है एक कढ़ाई सिल्वर की और गैस भी ऑन कर दिया है। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और अब ये मूंगफली को हमें थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है इसमें। तो मूंगफली हल्की सी हमारी रोस्ट हो चुकी है और अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच के करीब राई और 1 चम्मच के करीब इसमें डालना है उड़द की दाल। तो सभी चीज़ हमारी हल्की सी पक चुकी है और अब इसमें हम डाल देंगे ऑनियन। ये एक मीडियम साइज़ का ऑनियन मैंने काट के रखा हुआ था, फाइनली चॉप, तो वो डाल देंगे इसमें। तो प्याज को पकाते हुए 1 मिनट हो चुके हैं और अब इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। 2 हरी मिर्च मैंने ऐसे लंबे शेप में काट लिया है, तो वो मैं डाल दूंगी इसमें। और साथ में ही डाल देना है ये आलू, जो कि मैंने पतले पतले काट के रखे हुए थे। 1 आलू मीडियम साइज का है ये, तो इसको मैं इसमें डाल दूंगी। और 2 मिनट के लिए सभी चीज़ों को पका लेंगे। आपको जो भी वेजिटेबल पसंद है आप अपने इच्छा के अनुसार इसमें डाल सकते हैं। तो आलू हमारे हल्के से पक चुके हैं और अब इसमें डाल देंगे टमाटर। तो ये 1 टमाटर है मीडियम साइज का। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर हमारे गल चुके हैं और अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले 1/2 चम्मच इसमें डालेंगे
हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक। नमक आपको देख के ही डालना है क्योंकि हमारी सिवई में भी हमने नमक डाला है। थोड़ी सी डालेंगे आधी चम्मच लाल मिर्च, और साथ में ही ऐड करना है मैगी मसाला। तो मेरे पास आधा पड़ा हुआ था इसलिए मैं डाल रही हूँ, अगर आपके पास नहीं हो तो कोई ज़रूरी नहीं है। और अब डाल देंगे इसमें हमारी सेवई। और अब सभी चीजों को कर देंगे मिक्स। तो आप देख सकते हैं इसका एक एक सेवई अलग अलग है। तो अगर आप ऐसे प्रोसेस से बनाएंगे तो आपकी सेवई कभी भी नहीं चिपकेगी। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा सेवैया उपमा बनकर बिल्कुल से तैयार है, और आप देख सकते हैं कितना खिला खिला दिख रहा है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। चलो निकालते हैं इसको एक सर्विंग बाउल में। सो गाइस, तैयार है हमारा सेवैया उपमा, और देखने में काफ़ी डिलीशियस लग रहा है, काफ़ी खिला खिला बना है, बिल्कुल भी नहीं चिपका है। और टेस्ट तो खाने के बाद ही पता चलेगा, वो अभी मैं खाऊंगी। मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है। तो प्लीज़ आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को पहले से लाइक कर देना, एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोग किसी और तरीके से ये उपमा बनाते हो तो मुझे भी ज़रूर शेयर करना, आप लोग से ही मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है। तो चलो ऐसे ही मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।